वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आई होप स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को पता ही है हम लोगों का चैप्टर चल रहा है आप लोगों का एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का, राइट। तो लास्ट मैंने आप लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट कराया था दैट आर रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एज अ एजेंट में रोल क्या रहता है, तो मैंने मीनिंग तो बता ही दिया था कि ऐसे नेचुरल एजेंट जो किसी दूसरे जो बैक्टीरिया फंजाई वायरस जो कुछ भी है उनको मतलब डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने में उनको फिनिश करने में हेल्प करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। काफी एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आप लोगों को, अपना एक एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो एक्चुअली में माइक्रोबियल बायो कंट्रोल है, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल आता है बैसिलस थ्रोगोनेसिस, जिसे हम लोग बीटी भी बोलते हैं। याद करिए जब हम लोगों ने 10th में 9th में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के यूज पढ़े थे, याद है, कॉटन बीटी, ब्रिंजल बीटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी ना, कॉटन बीटी, ब्रिंजल बीटी आई थी, याद होगा आप लोगों को। इसमें क्या था कि जब कॉटन ब्रिंजल में कोई भी बैक्टीरिया लग जाता था, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंटर हो जाता था, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बीटी, बैसिलस थ्रोगोनेसिस, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे ताकि ये उस बैक्टीरिया को जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कॉटन के प्लांट्स में, ब्रिंजल के प्लांट में लग गया है उसको फिनिश कर सके और हमारे कॉटन और ब्रिंजल के प्लांट को एकदम क्लीन कर दे। याद होगा आप लोगों, कॉटन बीटी एंड ब्रिंजल बीटी, वो यही बैक्टीरिया होता था बैसिलस थ्रोगोनेसिस, यूज्ड टू गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स वेयर ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसिलस थ्रोगोनेसिस आर मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑनटू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रैसिकास एंड फ्रूट ट्रीज। बैसिलस थ्रोगोनेसिस ये जो बैक्टीरिया है ये बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। इसमें करते क्या है, ये जो बैसिलस थ्रोगोनेसिस है बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्पोर्स टाइप, स्पोर्स का मतलब समझते ही हैं आप लोग, एकदम ऐसे पाउडर्स की सब्सटेंस में, तो इनको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है और जिन प्लांट्स पर भी बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स जैसे फ्रूट ट्रीज हुए या फिर ब्रैसिकास हुए, ऐसे प्लांट पर बटरफ्लाई कैटरपिलर ज्यादा ग्रो करते हैं तो आसपास भटकते रहते हैं, तो इनको हटाने के लिए हम लोग ये जो बीटी, मैं शॉर्ट में बोलूंगी बीटी को हम लोगों ने वाटर के साथ मिक्स किया है ना, स्प्रे कर देते हैं एंड दीज स्पोर्स आर देन ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा। अब यहाँ पर जो बटरफ्लाई के लार्वा हैं, कैटरपिलर्स हैं, उसको लीव्स वगैरह को खाते हैं, लीव्स पर किसकी प्रेजेंस है, बीटी की प्रेजेंस है विद वाटर, तो वो क्या करेंगे कि जो लार्वा है, कैटरपिलर्स है, ये उस लीव्स वगैरह को खाते हैं, लीव्स के साथ इनका सॉल्यूशन भी इनकी बॉडी में चला जाता है और लार्वा के गट में जाके एक टॉक्सिन क्राय प्रोटीन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड इवेंचुअली। जैसे ही ये बैसिलस थ्रोगोनेसिस मिक्स्ड वाटर को अपने अंदर लेंगे और अंदर जाने के बाद गट में इनकी बॉडी में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होगा दैट इज क्राय प्रोटीन, और जैसे ही ये क्राय प्रोटीन रिलीज्ड होगा इनके लार्वा के गट में, लार्वा उसी समय मर जाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और हमारे प्लांट्स बच जाएंगे खराब होने से। दूसरा है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम दैट इज राइजोस्फीयर। ये ट्राइकोडर्मा जो स्पीसीज है ये फंजाई की स्पीसीज है, फ्री लिविंग है, जो कि रूट में फाउंड आउट होती है। These are effective as biocontrol agents of several soil-borne fungal plants pathogen. अब ये किस तरीके से काम करती है कि जो बहुत सारे roots वगैरह में क्या होता है, soil fungal in produce हो जाती है, soil में fungus produce हो जाती है और जहाँ पर soil में fungus produce हो जाएगी तो roots में भी लगना start हो जाएगी, roots में लगेगी तो obviously बात है कि बहुत सारे अपने toxic को release करेगी। तो ये जो फंगस है कौन कौन से टॉक्सिक को रिलीज करती है, विरिडिन, ग्लियोटॉक्सिन, ग्लियोविरिन, ये बहुत सारी वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं
जो सॉइल पे फंगस प्रोड्यूस हो जाती है एंड देन प्लांट के रूट्स में लग जाती है, और रूट से कुछ जो फूड है अपने आप को ग्रो करने के लिए वो कंज्यूम भी करती रहती है, और अपनी बॉडी से ये जितने भी इसके टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको भी रिलीज करती है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, प्लांट की रूट्स को खराब करते हैं। एंड अब यहाँ पर जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है फंजाई की, ये क्या करेगी, ये जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस फंगस है ये रूट पर अटैक करेगी राइजोसोम्स पर एंड कॉजिंग रॉट डिसीज। यहाँ पर जो फंगस क्या करेगी, ट्राइकोडर्मा की जितनी भी डिफरेंट टाइप की फंगस है जो कि प्लांट्स की रूट्स में लग रही हैं और उनको बहुत सारी डिसीजेस कर रही हैं, रूट्स पर अटैक कर रही हैं और बहुत सारी डिसीजेस कर रही हैं, जैसे इसमें से एक डिसीज का नाम दिया है रॉट डिसीज। एंड द फोर ग्रुप्स ऑफ बायो कंट्रोल आर नोन। इस ट्राइकोडर्मा स्पीसीज के चार फंगस हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट ऐसा वर्क करती है, दे आर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर क्या है, ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फोर ग्रुप्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स आर नोन है, दैट मींस कि यहाँ पर पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ चार बायो कंट्रोल एजेंट्स आते हैं, एक बैक्टीरिया है, एक फंजाई है, एक वायरस है, एक प्रोटोजोआ है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो बैक्टीरिया का पढ़ा, ये हमने फंगस का पढ़ा। ओके चलिए अब इसको थोड़ा सा चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स इन देयर होस्ट, सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम लोगों ने बैसिलस ऑर्गेनिज्म बीटी तो पढ़ा ही पढ़ा, इसके अलावा बी पैपिले एंड बी लेंटी मॉर्बस, किस किस को फिनिश करते हैं, कैटरपिलर्स को, कैबेज वर्म्स को, एडल्ट बीटल को। फंजाई में कौन कौन सी फंजाई है जो एज अ बायो कंट्रोल वर्क करती है, दैट इज ब्यूवेरिया, पैसियना, एंटोमोथियोरा, पैलीडोर्सियम एंड जूट्रा रेडिकन्स, किस किस को फिनिश करती है, एफिड क्रॉकी, ए एंग्यूग्लेटा, मिलीबर्ग्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाइज। प्रोटोजोआ में एक ही आता है नोसेमा लॉगोस्टे, ग्रासोपा, कैटरपिलर एंड क्रिकेट, इनको फिनिश करता है। वायरस में आता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस एंड ग्रैनुलो वायरस, ये कैटरपिलर, जिप्सी मॉथ, आंट्स, बेस एंड बीटल को फिनिश करने में हेल्पफुल है, और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनको डायरेक्टली नहीं रिलीज किया जाता है किसी भी प्लांट पर किसी सॉल्यूशन बना के, जैसे हम लोगों ने बीटी का सॉल्यूशन बनाया था वाटर के साथ, सेम एज इट इज इन सब का भी किसी ना किसी के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं, देन जिस प्लांट पर भी ये कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी है, इंसेक्ट वगैरह, पेस्ट वगैरह, उस पे स्प्रे कर दिया जाता है, एंड देन ये बैक्टीरिया उनके गट में जाके कुछ अलग टाइप के टॉक्सिन को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट या कोई भी पेस्ट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके नेक्स्ट आता है यहाँ पर हम लोगों का बायो हर्बिसाइड्स। अभी बायो कंट्रोल था, अब है यहाँ पर बायो हर्बिसाइड। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों के जो टॉपिक आएंगे ना वो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, अभी तक आप लोगों ने बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़े थे अभी, लेकिन ये 2-3 सेशन से आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये छोटे छोटे टॉपिक्स। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, बायो हर्बिसाइड्स जानते हैं ना, हर्बिसाइड यानी कि जब, चलिए थोड़ा पढ़ी पढ़ी लेते हैं बाद में देखेंगे। वीड्स आप लोग जानते होंगे, हिंदी बोलते हैं जंगली घास, हिंदी में बोलते हैं इसको प्योर लैंग्वेज में जंगली घास। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। ये जो वीड्स होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स होती है, जंगली घास होती है, जिसे हमने नहीं उगाया होता, ये किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में, पॉन्ड के पास, लेक के पास अपने आप ग्रो हो जाती है। एंड वीट्स कम्पीट विद द मेन क्रॉप इन द फार्म लैंड फॉर वाटर, स्पेस, मिनरल्स, लाइट, एयर एटसेट्रा। अब एक आप इसको एक फार्म फील्ड से समझ लीजिए, सपोज करिए इस फील्ड में आपने वीट के क्रॉप को प्रोड्यूस किया यहाँ पर पूरे, लेकिन बाय चांस यहाँ पर क्या हुआ, कुछ जंगली घास भी उग गई यहाँ पर इस तरीके से, ये जंगली घास, आई मीन उसे वीट्स वीट्स बोलते हैं, ये वीट्स क्या करेगी कि आप वाटर में जो भी न्यूट्रिशन, मिनरल्स, जो भी वाटर वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लाइट प्रॉपर वीट को मिलनी चाहिए, जो पूरी पूरी एयर वीट को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिशन, वाटर,
ये वीट्स क्या कर रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं। यानी कि वीट को 100% सब कुछ मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसके साथ में कोई और रहने भी आ गया। अभी आप खुद सोच लीजिए, आप एक घर में रह रहे थे, आप किसी रेंट पर रह रहे थे, रेंट में 4 रूम थे, तो अभी कोई आया नहीं था, आप अकेले थे, तब तक तो आप पूरी फ्रीडम थी, इधर जाए उधर जाए, ऐसे घूम रहे थे, सारी चीजों का फायदा उठा रहे थे। अभी आपके साथ कोई रहने आ गया तो आपकी चीजों को कंज्यूम करेगा, करेगा ना, स्पेस को कंज्यूम करेगा, वाटर को भी कंज्यूम करेगा, सब कुछ, आधे एयर को भी कंज्यूम करेगा। सेम वही चीज है कि जहां पर वो वीट को हर चीज 100% मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि कुछ परसेंट में 20 से 30% वाटर मिनरल्स क्या है, ये वीट्स अपने आप को ग्रो करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एज अ कोलेटरल होस्ट फॉर सेवरल पैथोजन। और इसके अलावा इन वीट्स में गया बहुत सारे जो पैथोजन्स वगैरह भी लगे रहते हैं, मतलब बीमारियां भी रहती हैं, और हो सकता है ये बीमारी वीट को भी लग जाए। पॉसिबल है ना कि सपोज करिए कि जब तक आप रह रहे थे तो आपको कोई बीमारी नहीं थी, आपको पता है, लेकिन आपके साथ कोई अलग से एक और रेंट पर आ गया दूसरे रूम में, आपको क्या पता उसको कोई बीमारी है या नहीं, और है तो ऑब्वियस सी बात है 2-3 दिन में आपको भी लग जानी है, होगा कि नहीं होगा। सो माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड। तो इन्हीं वीड्स को खत्म करने के लिए हम लोग डिफरेंट माइक्रोब्स का यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हर्बिसाइड्स। मेनी डायकॉट हर्ब्स दैट ग्रो इन द फील्ड ऑफ सीरियल्स एज वीड, जैसे बहुत सारी डायकॉट हर्ब्स हैं। डायकॉट हर्ब्स यानी हर्ब्स का मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं डायकॉट में, वो सीरियल्स की फील्ड में एज अ वीड उगाते हैं एंड कैन बी किल्ड बाय सर्टेन माइक्रोब्स। और इन वीड्स को हटाने के लिए फिर हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं, और उन्हीं माइक्रोब्स को हम लोग बोलते हैं बायो हर्बिसाइड्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हमको देख लेते हैं। सबसे पहले है पैथोजेनिक फंजाई एज माइको हर्बिसाइड्स। माइको पता है ना, फंजाई को बोलते हैं, फंगस को बोलते हैं, फाइको बोलते हैं एल्गी को, माइको बोलते हैं फंगस को, ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फंगस का यूज करेंगे एज अ माइको हर्बिसाइड। फंगस का नाम है फाइटोपैंथ्रा पैल्विबुरा, कंट्रोल्स मिल्क वीट्स इन ऑर्चार्ड। वीट्स के भी नाम याद हो, वीट्स के भी नाम होते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। ऑर्चार्ड होते हैं, बगीचे होते हैं, ठीक, बाग बगीचे, तो उनमें मिल्क वीट्स प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए फंगस यूज होती है फाइटोपैथोरा पेल्विबुरा। एल्ट्रेनिया क्रेसा कंट्रोल्स वाटर हाइसिन। फ्यूजेरियम स्पीपी कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वीट्स। बैक्टीरिया एज अ हर्बिसाइड। स्यूडोमोनास एसपीपी अटैक सेवरल वीट्स। ज़ैंथोमोनास एसपीपी अटैक सेवरल वीट्स। एग्रोबैक्टीरिया अटैक सेवरल वीट्स। एज अ इंसेक्ट बात करें तो टाइलिया मॉथ कंट्रोल द वीट सेनिशियो जेकोबिया। एंड दूसरा है कैक्टोप्लास्टिया कैक्टोरम कंट्रोल कैक्टीवीड्स। कैक्टस हो जाते हैं ना किसी किसी, जैसे हमने सीरियल्स कोई वीड राइस का हम लोगों ने क्रॉप किया उसमें कैक्टस हो गया है, तो कैक्टीवीड्स कहेंगे उनको। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अभी हम लोगों ने बायो कंट्रोल, अब बायो हर्बिसाइड्स, अब बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फील्ड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। केमिकल, वैसे तो केमिकल्स यूज किया जाता है, लेकिन हम बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर में बात करें, जैसे सपोज करिए डंग है, हम लोगों ने बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा था। बायोगैस प्रोडक्शन में क्या था, बायोगैस प्रोडक्शन में था आप लोगों के कि जो डंग है, जो वाटर डेड हो गए हैं, जो एनिमल्स की डेड है, उन सबको एक पूरे बड़े से चैम्बर में रख देते हैं, उनसे गैस प्रोड्यूस होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, लेकिन जो स्लज बच जाता है वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर है ना, क्योंकि उसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है, एक्चुअली में बायो एजेंट प्रेजेंट है। लिविंग बींग्स में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स की भी कुछ चीजें हैं, काउ डंग तो है ही है, काउ डंग तो सबसे ज्यादा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स आर द न्यूट्रिशन व्हिच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड दस फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स क्या है, एक ऐसे न्यूट्रिशन है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और प्लांट की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हैं। एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे मेन एम ये भी था कि हम लोग अगर फर्टिलाइजर्स का यूज करें,
उस टाइमिंग पर ये डिसाइड नहीं किया था कि केमिकल करने की बायोलॉजिकल करने हैं, बस उन्होंने कहा कि अगर हम लोग फर्टिलाइजर, यानी कि नाम भी नहीं आया था, बस ऐसा कहा था कि अगर हम कुछ ऐसी सब्सटेंस का यूज करें जिससे हमारी जो आई मीन टू से प्लांट्स है, आई मीन क्रॉप्स है, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, ऐसे सब्सटेंस को नाम दे दिया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक, एक होते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल, ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजिकल। लेकिन हमें केमिकल के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें तो एक्चुअली में ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक, दैट मींस मैन मेड, वेयर मिनरल सॉल्ट्स ऑफ एनपीके आर मिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड देयर डस्टेड इन द फील्ड। जैसे कि बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं लाइक एनपीके, इनको वाटर के साथ या किसी और के साथ एक प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और फील्ड में ऐसे छिड़काव, कहते हैं छिड़काव कर दिया, ऐसे स्प्रे कर दिया जाता है। नॉन ज्यूडिशियस और एक्सेसिव यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर्स लीड टू पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड ग्राउंड वाटर एंड सॉइल बिकम्स एसिडिक। लेकिन इस केमिकल फर्टिलाइजर, ये कह सकते हैं नॉन और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज करने से हमारी सॉइल पॉल्यूट हो सकती है, एयर ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो सकता है, और एक टाइम आएगा कि सॉइल आपकी एसिडिक जाएगी। एंड ऑर्गेनिक, यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, ये हमारे बायोलॉजिकल हैं। बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे इस नेचर में ही प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है। जैसे FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, और इन फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ना कि कम, और ना ही हमारी सॉइल एसिडिक होती है। नेचुरल तरीके से हमारी सॉइल क्या करेगी, फर्टिलाइज होगी। नाउ डेज फॉर बेटर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स यूज बायो फर्टिलाइजर एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसीलिए आज के समय में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को थोड़ा सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को, मतलब अपनी फार्मिंग को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स आर मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ सॉइल, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। आप लोगों को पता ही होगा कि बायो फर्टिलाइजर में ज्यादातर हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने, राइजोबियम हुआ, एसिटोबैक्टर हुआ, पढ़ा ही है आप लोगों ने, शायद 12th में भी आप लोगों का आया है, और नहीं है तो 9th-10th में तो मोस्टली था ही। बायो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर एज अ न्यूट्रिशंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगस, इनका भी यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। एंड बायो फर्टिलाइजर आर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशन। और ये कमर्शियल प्रिपरेशन मतलब ये एक तरीके से ये देख लीजिए कि इसको प्रिपेयर करने के लिए, बायो फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ भी कमर्शियल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी बैक्टीरिया लग मिलता है, कहीं भी फंगस वगैरह, ऐसी फंगस जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, अब एकदम वहां पे रेडी टू यूज है। क्या है, रेडी टू यूज है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता ये बनाना है, एक हफ्ता ये मिक्सिंग करना है, एक हफ्ते ये मिक्सिंग करना है, एक हफ्ते के लिए छोड़ना है, ना कुछ भी नहीं। रेडी टू यूज फर्टिलाइजर है ये, रेडी टू यूज, हमेशा ऑलवेज बी रेडी। एंड देयर एप्लीकेशन टू प्लांट सॉइल और कंपोस्टिंग पिट्स हेल्प्स टू एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब इनकी वजह से जो हमारी प्लांट है, सॉइल है, जो हम जितने भी कंपोस्टिंग पिट्स वगैरह है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं अपनी नेचुरल एक्टिविटी से। कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, महंगे भी नहीं आते लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इको फ्रेंडली है, कुछ नुकसान भी नहीं करते, और सॉइल की फर्टिलिटी को और सस्टेनेबिलिटी को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखते हैं, कम से कम 5 से 10 साल तो आराम से। और केमिकल फर्टिलाइजर एक बार यूज किया नहीं, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एसिडिक, ये अलग होते हैं। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स पे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड फंक्शन बायो फर्टिलाइजर आर डिवाइडेड टू फॉलोइंग ग्रुप। सबसे पहला आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स, द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड लाइक नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स या अमोनिया। पढ़ा है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
कौन से फाइव फर्टिलाइजर्स होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पता है ना कि हम लोगों की जो प्लांट्स हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोगों के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डाइजो एजोट्रॉप्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो डाई का मतलब तो ये है क्योंकि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स दो में कन्वर्ट कर रहे हैं, एजोट्रॉप्स नाम है। ओके, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डाई एजोट्रॉप्स। और ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिम्बायोटिक, एक होते हैं फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक का मतलब है किसी के साथ कम्युनिटी बना के रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। जैसे लिकेन, लिकेन सुना है ना, जो कि एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है, सेम है। तो एक होते हैं सिम्बायोटिक, एग्जाम्पल राइजोबियम, एनाबेना, फ्रेंकिया। दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड जर्नली विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स। ये हमेशा जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट होता है दैट इज रूट्स, उनके साथ अपना सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बना के रहते हैं। दूसरे होते हैं हम लोगों के फ्री लिविंग, या कह सकते हैं नॉन सिम्बायोटिक, जैसे अजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रिडियम, विजार्डिया, क्लैबसीलिया। ये भले ही सॉइल में रहते हैं लेकिन किसी भी प्लांट के पार्ट लाइक रूट्स या किसी के साथ भी अपना कोई भी कॉम्बिनेशन, या कह सकते हैं सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बना के नहीं रहते। अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, फ्री लिविंग है, किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं। ओके, दूसरे आते हैं हम लोगों के फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग फर्टिलाइजर्स। दीज आर द बैक्टीरियल स्पीसीज विच सोल्युबलाइज द इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड सच एज रॉक फॉस्फेट। ये ऐसे बैक्टीरियल स्पीसीज होते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरियल स्पीसीज है जो कि इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड को सॉल्युबल कर देते हैं। हमारे सॉइल में ना बहुत सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कंपाउंड हैं जो सॉइल में मिक्स नहीं है, और अगर सॉइल में मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छी फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियल स्पीसीज, ऐसे बैक्टीरिया जो इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल करते हैं हमारी सॉइल में, जैसे कि एग्जांपल दिया रॉक फॉस्फेट। ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स को बोलेंगे फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास, ट्रिएटा, बेसिलस, पॉलीमिक्सा, एग्रोबैक्टीरिया, माइक्रोकॉकस, एस्प्रिगिलस, एसपीपी, एब्सेट्रा, और भी होते हैं लेकिन जितना है उतना ही याद रखिए। दूसरे हैं कॉम्पोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर। कॉम्पोस्ट को तो हम लोग खाद भी कहते हैं। कॉम्पोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट टर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू अ डार्क रिच सब्सटेंसेस कॉल्ड एज कंपोस्ट और ह्यूमस। कंपोस्टिंग ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, व्हाट इज खाद प्रक्रिया, हिंदी बोलते खाद प्रक्रिया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे काउ डंग हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गई, और इसके अलावा फ्रूट पील्स हो गए, और जो लीव्स वगैरह पेड़ों से गिर जाती हैं उसको इकट्ठा किया, मतलब पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग कुछ टाइम के लिए कहीं भी इकट्ठा करके किसी भी सॉइल के पास, मतलब सॉइल में गाड़ के रखते हैं, मतलब सॉइल में थोड़ा सा गड्ढा करें और ये सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें डाल दें, राइट। फिर उसमें हम लोग के सॉइल में खुद के नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और नहीं है तो उसमें आप डाल दीजिए बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनो बैक्टीरिया, कुछ भी आप जो डालना चाहते हो। अब वो बैक्टीरिया फंगस क्या करेंगे कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल को रिच सब्सटेंस कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट कर देंगे। एंड द कंपोस्टिंग प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट। जैसे होता है ना डीकंपोजिशन होता है, डीकंपोजिशन में क्या होता है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है और उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दे तो उसके ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलेस्ट मैटर में डिवाइड कर देता है और खाद की फॉर्म में सॉइल के साथ मिक्स कर देता है।
वही तो है ये यहाँ पर कि हमने बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा किया, हमने उसको एक सॉइल में डाल दिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे अटैक किया और उसके ऑर्गेनिक मैटर को बिल्कुल पूरी तरीके से सॉइल में मिक्स कर दिया, कंपोस्ट बना दिया, खाद बना दिया। और ये कंपोस्टिंग प्रोसेस पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल का कंपोस्टिंग प्रोसेस किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, ऐसी एक्टिनोबैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स हुए। वैसे तो ये सारे के सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में ऑलरेडी फाउंड आउट होते हैं नेचुरली, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी तरफ से डाल दीजिए कहीं से भी लाके, सिंपल। ओके, सबसे इजी मेथड है। का है साइनोबैक्टीरिया हैज बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया जानते हैं ना, जो कि आपका एक एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग सिंबायोटिक एरोबिक फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग हेटरोसाइटोज की फॉर्म है। यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक्वेटिक भी है मतलब थोड़ा सा पानी में रहने वाला, टेरेस्ट्रियल भी है गीली मिट्टी पर भी रह सकता है, पूरी सूखी मिट्टी पर नहीं, फ्री लिविंग है अकेला रह सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मैं नहीं कहूंगी सिम्बायोटिक है, एरोबिक होता है। एरोबिक इन द सेंस एरोबिक रेस्पिरेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग है दैट मींस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का भी कन्वर्ट करता है। हेटरोसिस्टस है, हेटरोसिस्टम मतलब यहाँ पर कि अपने खाने के लिए दूसरे पर भी डिपेंड हो सकता है। एग्जाम्पल में एनाबेना, नॉस्टॉक, प्लेसिडोनेमा, ऑसिटोलिया एक्सेट्रा। एनाबेना, नॉस्टॉक एंड टॉलीफोथ्रिस आर एसोसिएटेड विद लिकेन, व्हाइल एनाबेना इज एसोसिएटेड विद प्लांट्स लाइक अजोलो एंड साइकस। यहाँ पर जो एनाबेना, नॉस्टॉक और टॉली पॉथ्रिक्स है ये लिकेन से एसोसिएटेड है। लिकेन से एसोसिएटेड होना सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बना के रहते हैं। और जो यहाँ पर एना बेना है ये अजोलो और साइकस जैसे प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाता है उनके, यानी कि उनके स्पेशली अजोलो और साइकस प्लांट के साथ अपना कह सकते हैं सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बना के रहता है। ओके, यहाँ पर एक डू यू नो है पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर आर क्लासिफाइड एज बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स एंड फंगल फर्टिलाइजर। नेचर के बेसिस पर और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बेसिस पर बायो फर्टिलाइजर को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया, स्पेशली मेनली बैक्टीरियल एंड फंगस। बैक्टीरिया में हम लोगों के यू बैक्टीरिया स्पेशली और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। फंक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स को भी अगेन डिफरेंट पार्ट्स में ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग अभी पढ़ा, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग अभी पढ़ा, कंपोस्ट मेकिंग अभी पढ़ा। साइनोबैक्टीरियल बट फर्टिलाइजर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आर नाइट्रोजन फिक्सिंग टाइप। इसमें अभी हम लोग एक और पढ़ के आ रहे हैं साइनोबैक्टीरियल वाला। फंक्शन के बेसिस पर ये हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एक तरीके से। फंगल बायो फर्टिलाइजर्स में हम लोग की मेनली आ जाती है माइकोर्जियल फंजाई, और फंक्शन के बेसिस पर एक्टोमाइकोर्जिए एंड एंडोमाइकोर्जिए। मतलब एज अ बायो फर्टिलाइजर मेनली जो फंगस वर्क करती है वो माइकोर्जियल है, लेकिन फंक्शन के बेसिस पर बात करें तो एक्टोमाइकोर्जिए और एंडोमाइकोर्जिए ये भी हम लोगों की एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होती है। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने फंगल फर्टिलाइजर्स पर। माइकोर्जिया ये बड़ा एक टाइप की फंगस है। इट फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक राइजोम्स एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ये हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहती है प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ, जैसे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, राइजोम। राइजोम समझते हैं ना कि जो हायर प्लांट्स नहीं होते हैं, अंडर डेवलप या लेस डेवलप प्लांट्स होते हैं, उनमें रूट्स नहीं होती, फाइबर लाइक फाइबर्स की तरह शॉर्ट हेयर्स निकल के आ जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं राइजोम। एंड दीज आर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक 1885 एंड देयर आर टू टाइप्स। और जो फाइव फंगल बायो फर्टिलाइजर है ये फ्रैंक ने 1885 में डिस्कवर करी थी, इससे पहले नहीं थी। और फिर इसमें अगेन दो टाइप हैं, एक्टोमाइकोर्जिन और एंडोमाइकोर्जिन। इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उनको भी हम लोग अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं है ये चीज।
बहुत इजी वाला है ये पार्ट, तो मेरे ख्याल से चैप्टर सबसे इजी है। अगर हमारे पास याद क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम याद है तो सब कुछ याद हो गया। वही करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बैक्टीरिया के नाम, फंगस के नाम सब हो जाना है। ओके स्टूडेंट, इसी के टाइप से हम लोग अपने आगे नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।